डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक ये स्लाइड भी दिखानी थी। ये है सम ऑफ द पॉसिबल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि डाइटरी हैबिट्स से कंसर्न होते हैं। तो जिसमें एक जो बेनिफिशियल बिहेवियर होता है, अगर ये चीज़ें खाएं तो जिनसे फ़र्क पड़ेगा, जैसे अगर आप लो इन फैट, इन सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खाएं तो आपको हार्ट डिजीज़ और कैंसर और डायबिटीज़ और ओबेसिटी का रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लो कैलोरीज़ और फिज़िकल एक्टिविटी अगर इंक्रीज़ करें तब भी हार्ट डिजीज़ और कैंसर से फ़र्क होगा। अल्कोहल कंजप्शन इतनी पाकिस्तान में नहीं होती। स्मोक फूड वो होते हैं जो हम ये जो उनसे कोयले के ऊपर बनते हैं, जितने स्मोक फूड खाएंगे उनमें नाइट्रेट्स होते हैं, दे विल कॉज द कैंसर ऑफ द कोलन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साल्ट्स कम खाएंगे तो जाहिर बात है हाइपरटेंशन वगैरह कम होगी। जो फूड जो जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादा होता है उसमें रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी। जो रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है वो मेनोपॉज़ल वुमेन में या आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40 वुमेन्स में बहुत कॉमन है। आयरन जो कि पाकिस्तान में बहुत डेफिशिएंसी है, अगर आयरन आप लेंगे तो आपको एनीमिया का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, और अगर एनीमिया आपको ज़्यादा हुआ तो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी। फॉलिक एसिड से, फॉलिक एसिड का बेसिकली हमारे जिस्म में काम होता है जो कि तकरीबन तमाम सब्ज पत्तों में भी होता है, जो हमारे सेल्स सारे रीजनरेट करते हैं। तो वो आप जितने लेंगे तो हार्ट डिजीज़ और कैंसर का फ़र्क कम पड़ेगा, क्योंकि नए सेल्स अच्छे बनेंगे, टर्नओवर कम होगा, एबनॉर्मल सेल कौन कोई नहीं बनेगा। फूड जो उनसे है एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई वगैरह वो भी लेंगे, उससे कार्डियोवास्कुलर में अफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा फूड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एक ओमेगा 3 होते हैं ओमेगा 6 होते हैं, ये भी कंसर्न है विद द हार्ट डिजीज। ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स जो कि ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो देर इज़ अ लेस रिस्क ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज। दोज वुमेन हु डू नॉट ब्रेस्ट फीड देयर इन्फेंट्स, दे हैव मोर रिस्क टू द कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर।